पार्टी के लिए काम भी किया, और अभी तक कोई महीना डेढ़ पहले तक भी मैं एक्टिवली कर रहा था। इस दौरान मुश्किलात ऑब्वियसली आई, हमने बल्कि मेरा ख्याल है खान साहब के बाद दो चार लोग हैं जिनके ऊपर ये पर्चे हुए हैं, मेरे पे भी कोई आठ नौ दहशतगर्दी के बाकी भी पर्चे हुए हैं, सियासी पर्चे हैं, उनकी कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन बेसिकली मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी फैमिली दादा और सारे हम बेसिकली फौजी हैं, और मेरा आर्मी से ज़ाहिर है मेरा ख़ानदान है, मेरे ससुर भी फौजी हैं, दादा भी, उनके भाई चारों वो भी फौजी, मतलब फौजी फैमिली है। फिर मेरी सर सैयद में मैंने सदर सर सैयद में जहाँ मैं MNA हूँ वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन की, और वहाँ भी तकरीबन आपको पता है 90% वो आते हैं जो फौजियों के बेटे हैं वो फौज में हैं सारे, मेरे मुतलक वास्ता भी है। मैं उसके बावजूद सारी इन चीज़ों के बावजूद ज़ाहिर है हम चलते रहे, लेकिन ये 9 मई वाला जो वाकया हुआ है उसने हमें बड़ा, मुझे ज़ाती तौर पे प्रेपरटर्ब किया है, बड़ा तकलीफ दे वाला था, क्योंकि सारे जब आपके अपने घर के लोग आपके दोस्त, उस एक अजीम आदमी है जिसमें मैं बल्कि यहाँ मेंशन कर दूं कि मेरे दादा के छोटे भाई 1935 में प्री पार्टीशन वो ही गॉट सॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल बिफोर पार्टीशन, और ओनली मुस्लिम टू गेट सॉर्ड ऑफ ऑनर देयर। तो ये मेरे लिए ऑनर है कि पार्ट मैं इस फौज से बड़ी क्लोजली एफिलेटेड भी हूँ। तो मैं ये जब वाकयात हुए हैं, देखें कुछ भी कर लें, ये जो सियासत में पार्टीज आती हैं, हमने जब शुरू किया तो ये सियासी सफर था, ये सियासत थी उन लोगों के खिलाफ जो हम समझते थे कि वो ज़ाहिर है कि क्या सिलसिले पे जा रहे हैं आगे, करप्शन था या बाकी मामला थे या जो भी था। मेरा आपने कभी स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि मैंने 27 ईयर्स में कभी भी अपने फौज पाकिस्तान या किसी भी इदारे के बारे में कोई मुझे दिखा दे, ये अभी कोई एब्रप्ट चीज़ नहीं है। मैंने 27 साल में कोई ऐसी स्टेटमेंट आज तक नहीं दी, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बिलीव है कि हमारे अदारे, हम उनको देखते हैं, उनके मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है जो शहीद हुए, उनकी फैमिलीज को भी देखा, तो मैंने क्लोजली कनेक्टेड। तो ये चीज जब ये वाकया हुआ तो वी हैव टू रीथिंक कि क्या हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि हमने अब अदारों को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेना है, अब सारा निज़ाम को इन्वॉल्व कर लेना है। मैं ये नहीं मानता, मैं खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जनरली क्योंकि मैं नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूं, मैं तकरीबन 1.5 महीने से गया भी नहीं, मतलब लाहौर भी मैंने कोई मीटिंग्स नहीं अटेंड की, क्योंकि मेरी राय कुछ और है। मेरी राय बड़ी सादी है कि हमें जदोजहद करनी चाहिए अपनी फील्ड में, दैट इज सियासत, सियासी लोगों के खिलाफ आपने लेके आना है। जब इदारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, देखिए अरब स्प्रिंग भी आया ना, तो सबसे पहले अफवाज जो वहां की अफवाज थी उनको हिट किया गया, ये खतरनाक काम है। हमारी बका, पाकिस्तान की बका जो है अल्लाह के बाद, जो वो जवान, वो नौजवान, वो ऑफिसर्स जो खड़े होकर अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं सरहद पर, अभी भी आपकी सरहद में अभी भी रोजाना 3 से 4 शहादतें होती हैं, मैं भी थोड़ा मैं ज्यादा करूं, लेकिन हो रही है। और कौन लोग हैं वो, कौन सा आपसे अरबों रुपए लेते हैं? कुछ नवे अजान हो रही है, मैं एक मिनट अगर इजाजत दें तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। मई का वाकया हुआ, इसमें आप अगर देखेंगे मेरी फुटेज भी होगी कि हम वहां गए थे चेयरमैन साहब से मिलने, लेकिन वो ज़ाहिर अंदर नहीं जाने दिया, तो वहां भी मैंने ये सारी स्टेटमेंट दी हुई। देखिए ये मैं बात कर रहा था, ये जो अरब स्प्रिंग हुआ और यहां पर बहुत सारे मुश्किलात आई, हम अदारे एक स्टेट का हिस्सा है जो परमानेंट होते हैं। जो पार्टीज हैं ऑब्वियसली वो आप पार्टीज आती भी हैं जाती भी हैं, पब्लिक ओपिनियन पे आती हैं पब्लिक ओपिनियन पे जाती हैं। हमें मोटिवेशन जो होती है पब्लिक ओपिनियन से लेनी चाहिए, रादर देन हम एक कोई बड़ा चीज़ क्रिएट कर दें, कोई बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर दें कि हमें कोई हमें प्रॉब्लम आ जाए। अदारों के बगैर, खुद खान साहब कहते हैं कि इदारे इंपॉर्टेंट हैं, और ज़ाहिर हैं इंपॉर्टेंट। तो अभी जो मियांवाली में, हालांकि मियांवाली में भी उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, और मियांवाली के वो जो दो वाकयात हुए हैं उसके बाद वो इधर बाकी जितनी भी दहशतगर्दी की पर्चे हैं वो भी मेरे पे ही हुए हैं। यहाँ पर अलबत्ता दे बिन काइंड वो नहीं हुआ, लेकिन कहने का मकसद है वो जनरली सो
कि जीएचक्यू वाला वाक्य जो हुआ है और जो लाहौर के कोर कमांडर का वाक्य हुआ है, जहां जहां भी हुए हैं, जहां जहां भी स्टेट की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हैं, चाहे वो अदिया से रिलेटेड हैं, या पाकिस्तान का टाइटल जिनके साथ है, चाहे वो पीआईए पाकिस्तान, पीआईए पाकिस्तान रेलवे, व्हाटएवर इट इज, वी नीड टू फोकस कि हमारा जो डोमेन है वो सियासत है, हमें उसके अंदर रहकर अपनी सियासत को करना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही तकलीफ दे और हौलनाक चीज थी। इससे लोगों के जो यंगस्टर्स हैं, पुख्ता जहन नहीं होते, वो ये चीज फिर रिपीटेडली होती है। और पाकिस्तान देखिए ऑलरेडी बड़ी क्राइसिस में, थैंक्स टू पीडीएम गलवन, उनकी मेहरबानियां भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लें आप कि क्या हुआ। और अभी मुल्क किस, अभी इसके बाद अगर ये भी हो रहा है बॉर्डर पे भी, अगर इतनी ही लड़ाई है और खुदा ना खास्ता अंदरून भी ऐसी लड़ाई है, तो कौन सेफ है? हम मुश्किल वक्त में तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि अदारे जो एक इक्विप्ड हैं, जो इन चीज़ों को हमेशा उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने अपना रोल अदा किया है, इवन सो मच सो कि जब जल्जले आते हैं या इवन डैम्स बनते हैं या जो भी बड़े बड़े चीज़ें हैं, उनमें उनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होती है। वो उसमें बाकायदा सिपाही बेचारे हमारे ऑफिसर सिपाही जाके उधर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लिहाजा मैं फ्रेंकली जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं शायद एक्सप्रेस भी ना कर सकूं कि एक इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट है, इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने जिस सफर पे 27 साल अपने मुकम्मल किए, वो अब्रप्टली ये वाकयात होने थे, ये मामलात होने थे। और मुझे सियासत से, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूं, मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा, क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आंच आए तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूं। आई डोंट लाइक दैट। मैं बिलीव करता हूं इस पर, बल्कि फॉर श्योर आई नो इट अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का सर्वाइवल उसके अदारे हैं, उनको मजीद बेहतर होना चाहिए, ट्रू, बट इन अदारों ने आज तक आपकी सरहद, आपके सारे बॉर्डर्स, जब भी मुश्किल पड़ी है इन्होंने अपनी जानें दी हैं। तनख्वाहें क्या है? मेरा ख्याल है किसी अफसर की 80,000, दूसरे की 90,000, सिपाही की 40-45,000। क्या इस दौर में कोई अपनी जान देता है? इस दौर में इतने पैसों के लिए कोई वहां काम करता है? हम डिस्करेज कर रहे हैं उनको, ये उनको डिस्करेज करना है। अब लड़ाई लड़े, मैं तो कब कहता हूं नहीं लड़ी, पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, लेकिन अदारों के साथ ये बदनसीबी है कि हम या कोई पार्टी भी ये काम करे। वो ऑपरेट करते हैं, उनका एक प्रोसीजर है, उनका तरीका कार है, और वायलेशन मैं समझता हूं कि ये मुल्क की सालमियत पर, मुल्क की बका पर हमला है। वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि, और फिर अदारा एक मुट्ठी की तरह है, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अदारा बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अदारा नहीं। मैं भी 27 साल रहा हूं, कोई के पॉलिटिकल पार्टी ये अदारा बना दिया है, सिस्टम है, इलेक्शन होंगे, फलां आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। अदारे बनाए तो अदारों की कदर कदर समझ आएगी। अदारे होते हैं जहां पे सब, जिन्होंने अपना वक्त दिया होता है, सब इक्वली उनकी वैल्यू होती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने, आपकी सामने ये कहना चाहता हूं कि जी मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास है उनको मेंशन करना जरूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूं। और मैंने, और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने रियलाइज किया इट्स नॉट माय कप ऑफ टी कि मैं सियासत करूं, क्योंकि कोई ऐसी मुझे बजाय, मैं नहीं कहता कि होगा जमातों में कुछ, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने लंबे सफर के बाद अगर मैं इस नतीजे पर पढ़ूं तो मुझे उसको मुझे फर्मली उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल यकीन से ये कह रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह ये सियासत जो है नहीं करनी। और इंशाल्लाह जहां तक पाकिस्तान की बात है, जब खान साहब मेरे घर आए 96 में, तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था, मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी टीम के साथ जो खिदमत कर सका, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो भी लोगों की खिदमत हो सकी, वो करूंगा अपनी कैपेसिटी में। तो मैं
आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं और ये मैंने एक फैसला किया है डिटरमिन होके, और बिल्कुल सवालों के जवाब आपको तसल्ली दूंगा। कोई मैनेज करेगा ठीक से चले। देखें मैं आपको ये बताऊं, पहले तो सवाल थोड़ा सा आपने वो ट्विस्ट कर दिया ना, इस तरह नहीं है। मेरे पे जो मुकदमे हैं मैं कि सबकी बेल ले चुका हूं, आज सुबह भी बेल हम सब ने ली है, सब मेरे साथ हैं, जब उनकी बेल होती है मेरी बेल हो जाती है। मुकदमात में लॉयर हूं, मुझे मुकदमात की हैसियत का पता है, ये सियासी मुकदमात है, इनका कुछ भी नहीं होना, इट्स नॉट दैट। आपका अपना बिलीफ होता है। एक बंदा मजर साहब, अमर के अनुसार ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि हमें सियासी मैदान में सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं किया जाना चाहिए। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज को सियासत से अलग करने का ऐलान किया था, आप क्या समझते हैं कि उस ऐलान पे उसकी लेटर एंड स्पिरिट अमल हो रहा है? क्या आज पाकिस्तान में फौज जो है उसका सियासत में कोई रोल है या नहीं है? देखिए जब आप उनके दरवाजे पे पहुंचेंगे तो मैं समझता हूँ तो रोल ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोल नहीं है, और अगर है तो वो हमारी हमें भी एहतियात से और अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा, हमने ये सीखना है टू को एग्जिस्ट, ना हम पीडीएम को, ना पीडीएम हमें, ना फौज को, हम किसी को जाके दरिया में नहीं बुर्द कर सकते। हमने को एग्जिस्ट करना है, जो भी इस पाकिस्तान का बशिंदा है वो सब लॉयल हैं, ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हमने को एग्जिस्ट करना है। ये बड़ी सिंपल बात है। जो लीडरशिप जो लीडरशिप है पार्टीज की, मेरी उनसे दरखास्त है कि प्लीज लीडर का काम है पेशेंस, पेशेंटली आप इसको हैंडल करें प्लीज, सबसे कौन साहब, 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 एक 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 बंदे को आपने सोच किया है, और अगर तहरीक इंसाफ की क्यादत आपसे मामला बेहतर होते हैं दोबारा रब्ता करेगी तो आपकी चॉइस क्या होगी आइंदा किसी और? देखिए मैं एक जवाब दे, देखें मैंने आपको कहा कि मैंने 27 साल मेरा रिकॉर्ड चेक करिएगा कि मैंने ना इस तरह इन्वॉल्व हो ना होंगा, और अगर हो भी जाती है गुड लक टू देम, अल्लाह करे आके अगली बार और बेहतर काम करें, बट विदाउट आई वॉन्ट बी देयर विद देम। अपना तारफ करवा के दोस्त फिर सवाल करें। नहीं नहीं मैं जो सवाल है वो कर लूं सर, एक मिनट सर प्लीज। आपका कोई वीजा नहीं लगा हुआ है, अमेरिका जाने का भी कोई प्लान है? देखें जी से पहले इमरान खान से कोई रब्ता हुआ, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई? अच्छा जी मेरी गुजारिश सुने, मैं वैसे ECL पे हूँ, मेरे दोस्त ने हमाकत की है, वैसे आई एम स्टिल ऑन ECL, और मैंने जिंदगी में बाहर एक टके की मैं यहाँ पे सबको इस मौजूदा हुकूमत को भी चैलेंज करना चाहता हूँ, और जो और हजरात हैं उनको भी कि यार तुम मेरा बायोडाटा चेक कर लो कि मेरी क्या स्टेटस है यहाँ का। इस्लामाबाद में मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे वहाँ से आप चेक करें, सारे फैम चेक करें, अल्लाह का करम है कि हमारी कोई टके की चीज़ बाहर नहीं है, और वीज़ा भेजा था, लोग जो मोहब्बत थोड़े बहुत करते हैं उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं ECL पे हूँ। आपने कहा कि अफवाज के अमलाक पे हमला हुआ तो मैं सियासत को जमात को छोड़ रहा हूँ, क्या आपको ये यकीन हो गया है कि PTI के वर्कर्स की जानिब से हमला हुआ तभी आप इस जमात को छोड़ रहे हैं? साथ ये कि पार्लियामानी राजधानियों में सरगोशियाँ हो रही हैं कि आप इसलिए जमात से अलग हो रहे हैं क्योंकि आपने पे करप्शन केसेस दिए, आपको डराया गया है कि आप पे केसेस बन जाएंगे जमात छोड़ दें, और आपने इसलिए? मैं आपके जवाब दूं, वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 2 साल पहले जो खाता खुला था वो 2 साल पहले वो क्लोज हो गया है, वो क्लियर हो गया है आपके लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, और मुझ पे प्रेशर होता तो मैं कहीं जाता, मैंने तो पॉलिटिक्स ही बात की है। मैंने 27 साल में अपने बेटे हैं तीनों को कभी मुझे मेरे हवाले से किसी बेटे को देखा एक्टिव? मैं बिलीव ही नहीं करता ये जो मारूसी सियासत है, आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे तो ये मेरी सीट तो तैयार है, अगर मैं ना छोड़ता थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करता तो मैं तो फिर MNA बन जाता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए मेरा यकीन ये है कि इस सारी भगदड़ में कोई पूछता है कि भगदड़ में कितने लोग मरे हैं, कौन मरा है, कैसे मरा है,
ये भगदड़ जो है ना, हमें ये रोकनी पड़ेगी। हर सियासी ताकत को इसको रोकना पड़ेगा, खुदा रहा इससे पहले कि पाकिस्तान के लिए हम मसला क्रिएट कर दें। बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक रहा है खान साहब के साथ, हमें पता है बड़े क्लोज भी रहे हैं, और ऑब्वियसली आप जिन हालात में छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या अब कोई मशवरा देंगे इमरान खान को? और ये भी बता दें कि हमें ये भी पता है कि आप इस मामले में भी दिल बर्दाश्त हैं कि पुराने लोगों के मशवरों को उस तरह यहाँ पार्टी में वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह दी जानी चाहिए, तो वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को घेरे में लिए हुए हैं और उनसे इस तरह की चीजें करवा रहे हैं? ये भी थोड़ा देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बता दो बहुत कुछ है। मसला ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग, चंद दो लोग जरा एग्रेसिव हैं। मैं उनको ये नहीं कि लॉयल्टी पे किसी की शक नहीं करता, एग्रेसिव हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हमने 27 साल, वो कहते हैं बुढ़ापा आ गया तो शायद बिचोर होते हैं, हम हो गए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लीडर जो होते हैं ना, जो है खान साहब, कोई शक नहीं है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। थोड़ा सा मैं उनको ये कहूंगा कि मैंने उनसे नहीं मिला, क्योंकि मैं मिलता तो शायद मैं मोम हो जाता फिर, लेकिन मैंने जान छुड़ाई है। इन द सेंस, एक तो मेरा आपको बताया आर्मी से बहुत रिलेशनशिप है, इन द सेंस ये कि मेरी पढ़ाई वहाँ है, मेरे साथ रहना खाना पीना उनके साथ है, मेरी फैमिली है, दादा मेरे फौजी हैं, सब है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कम बोलने में बड़ी हिकमत है, उससे बड़े फायदे होते हैं। आपके साथ लोग हैं, आपकी ताकत है, कोई शक ही नहीं, लेकिन एडवाइस जो है ना, बड़े चंद लोगों को लिया करें जो छांटी की हुए आपने, जो ना आजमाए हुए आपने, चाहे वो 20 साल से हैं, कोई 25 साल से हैं, वो 30 साल से हैं। मैं समझता हूँ, मतलब मैं नाकस राय कह रहा हूँ, मेरा ना कद खान साहब जितना है, बल्कि बहुत ही छोटा हूँ, ना मेरा इतना वो वजन है, ठीक है, मेरा उसको नहीं है, लेकिन ये जहन में रख लें कि ये हमारी जो ताकत है ना, वो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है हर सूरत। पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।